Nothing could have prepared me for the high stakes heartbreak that surrounds me. You. Burn so हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी हम जयपुर जा रहे हैं क्योंकि अजमेर आए और जयपुर नहीं देखा, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम अब जयपुर जा रहे हैं। तो ये मैंने सूट वेयर किया है और अभी टाइम 6:30 हो रहा है, तो अभी हम निकल रहे हैं। और ये देखिए मम्मी का सूट कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर पापा चेकआउट कर रहे हैं और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और ये मैंने हाथों पे नेल पॉलिश लगाई थी और ये मम्मी के भी मैंने ही लगाई थी। कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं जयपुर के लिए, निकल रहे हैं। ये हम बस में बैठ चुके हैं, हम बस से गए थे जयपुर के लिए और फिर हमें वहाँ से कैब करी थी, उस कैब ने हमें पूरा जयपुर घुमाया था। तो अब हम जयपुर आ चुके हैं और हमने गाइस कुछ खाया नहीं था क्योंकि हमें जल्दी निकलना था सुबह 6:30, तो इसलिए हम जल्दी उठे थे तो ब्रेकफास्ट करना भूल गए थे। तो अब हमने कराया ब्रेकफास्ट में, हमने छोले भटूरे खा लिए थे। तो ये वहाँ का मशहूर ड्रामा हॉल है और इसका नाम राज मंदिर है, जयपुर का मशहूर है ये। और ये जयपुर का बहुत मशहूर स्टैचू था, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सुबह हमने ब्रेकफास्ट में सिर्फ छोले भटूरे खाए थे तो इसलिए हमने वहाँ से पापड़ ले लिया था क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट करे हुए बहुत टाइम हो गया था। तो अब हम म्यूज़ियम के लिए जा रहे हैं, म्यूज़ियम में आ चुके हैं और ये म्यूज़ियम के एंट्रेंस है। वहाँ पे देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितने मतलब अच्छे अच्छे घास ऐसे है। और यहाँ पे हम म्यूज़ियम के अंदर घुसते ही आपको ये पेंटिंग मिलेंगी, वहाँ पे अलग अलग राजाओं की ये पेंटिंग है और उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके नाम है। और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से जाते हैं। और ये यहाँ पर राजाओं के ज़माने के कारपेट भी डले हुए थे, कालीन जो पहले बिछाए जाते थे। और ये पियानो रखा हुआ था, ये भी पुराने ज़माने का। ये वहाँ पे बहुत पुराने ज़माने की एंटिक चीज़ें थी राजा महाराजा की, और इन सब के बारे में लिखा हुआ था क्या चीज़ थी कैसे थी, मतलब आप देख सकते थे उसकी डिटेल, नीचे डिटेल दे रखी इन सब के बारे में। वहाँ राजाओं के ज़माने के बर्तन पेंटिंग ये सब था।
देखिए गाइस ये पेंटिंग है, और गाइस ये राजाओं महाराजाओं के ज़माने की मूर्ति है जो बहुत रेयर थी। और ये कुछ ऐसे सिंबल्स से जो बने हुए थे। और ये गाइस नेपाल से बुद्धों की ये पेंट बहुत ही मूर्ति, उसे भी म्यूजियम में रखा गया था। और ये वहाँ के ये भी चाइनीज लोग की कुछ है। और गाइस ये पुराने ज़माने के पॉट थे जो मतलब पुराने ज़माने में बनाए गए थे राजाओं महाराजाओं के टाइम के। और ये बर्तन भी राजाओं महाराजाओं के टाइम के हैं। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे गमले हैं इधर, और कितनी अच्छी अच्छी प्लेटें, अलग अलग डिज़ाइन में आपको गमले मिलेंगे इधर देखने। और वहाँ पर ये फ्लावर पॉट था बहुत बड़ा, और उसके अंदर पेंटिंग बना रखी थी राजाओं की। और ये भी वही है फ्लावर पॉट पहले के ज़माने के। और ये कुछ बर्तन हैं, और ये मूर्तियाँ हैं। राजाओं महाराजाओं के हथियार थे उसमें, तलवार भाले और उनके टाइम के पर रखे हुए थे। और ये शील्ड वगैरह और ये बंदूकें भी उन्हीं के टाइम के थी। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ये सीढ़ियों पे ये पेंटिंग बनी हुई थी, और ये मूर्तियाँ हैं ऊपर। और ये पुराने ज़माने की चप्पल है जो पुराने ज़माने के लोग पहनते होंगे। और ये गाइस ये वो मम्मी है जिसके लिए म्यूजियम ये फेमस है, जो भी इस म्यूजियम में आता है इस मम्मी को पहले देख। और ये गाइस इंस्ट्रूमेंट है जो पहले के ज़माने में चलते थे, सितार ढोलक ये सब। और ये जेवर है जो पहले के ज़माने की औरतें पहनती थी, इसमें हार बुंदे। गाइस पहले के ज़माने की कंघे और ये पंखा ये सब पहले के ज़माने के रखे हुए हैं इधर, जो राजा महाराजा यूज़ करते थे उनकी चप्पलें। और ये कुछ बुक्स हैं गाइस जो पहले के ज़माने में ऐसे लिखते थे, कैलीग्राफी जिसे कहते हैं। और ये गाइस उनकी सवारी थी राजा महाराजा की। और ये कुछ मूर्तियाँ इसमें देखिए कैसे ये मतलब बना रखी है छोटी छोटी। तो हमने म्यूजियम देख लिया था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, बहुत अच्छी लगी। और अब हम म्यूजियम देखते देखते प्यास लग गई थी तो इसलिए हमने जलजीरा ले लिया था। और ये म्यूजियम के बाहर ये कबूतर को मैंने दाना भी डाला था। तो देखिएगा इस म्यूजियम के बाहर कितने कबूतर थे वहाँ पर। और वहाँ पे ये फ्रूट हमने ले लिए थे। तो अब गाइस हमने पिंक सिटी जा रहे हैं, और ये पिंक सिटी की एंट्रेंस है। और ये देखिए पिंक सिटी है, और ये हवा महल है गाइस। तो अब हम जंतर मंतर आ चुके हैं, और ये जंतर मंतर की एंट्रेंस है। और यहाँ पे ये कुआ है, और ये यहाँ पे आपको तरह तरह की घड़ियाँ मिलेंगी जो पहले। गाइस ये वो घड़ी है, इसमें ऐसे नंबर लिखे हुए रहते हैं,
उससे पता करते थे, मतलब जितना गर्म रहेगा जिस नंबर पे उस हिसाब से टाइम पता करते थे। और यहाँ म्यूज़ियम के पास कैंटीन थी, तो वहाँ से हमने आइसक्रीम और ये सैंडविच लिए थे। मेरे दोनों भाइयों ने वो कैंपा ली थी। के अंदर गाइस आपको ये शॉप मिलेगी जहाँ पे एंटिक चीज़ें थी। ये लॉक इतना भारी था गाइस, ये कुछ ऐसे छोटा सा बर्तन था, इसमें अगर आप ज़रा सा मारेंगे तो वो आवाज़ गूंजेगी, ऐसे घुमाएंगे तो। और ये शॉप का व्यू है, ये तरह तरह के इनकी एंटिक चीज़ों के साथ ही बुक्स और कपड़े भी रखे हुए थे कुछ। और हमने कठपुतली का डांस देख नहीं पाया क्योंकि हमें लेट हो रहा था और भूख भी लग रही थी, तो इसलिए हम खाना खाने आ गए। खाने में हमने चिकन लिया था और बिरयानी थी और नहारी मंगाई थी। खाना खाने के बाद फिर हमने ये कैंपा ले ली थी। खाना खाने के बाद फिर हम उस जगह पे गए थे, यहाँ पे ज्वेलरीज बहुत थी, मतलब एंटीक चीज़ें थी ज्वेलरीज में भी। और ये जयपुर के मशहूर कड़े थे। और गाइस ये पहले ज़माने का महल है जो डूबा हुआ है, और इसमें 7 मतलब मंजिलें थी, इसकी आधी तो नीचे ही डूब गई है पानी में। ये भी वहाँ की मशहूर जगह है। और अब हम तो आमिर का किला गए थे हम, तो अब हम आ चुके हैं आमिर का किला। और ये वहाँ पर ऐसे मतलब बहुत चलना पड़ता है फिर जाके वो किला नज़र आता है, तो वहीं पे जहाँ से चलते हैं वहाँ पर ये शॉप लगा रखी थी उन लोगों ने, दुकानें थी। तो गाइस बहुत चलने के बाद फिर अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं आमिर का किला। तो आमिर का किला के साथ जैसे ही आप घुसेंगे तो यहाँ पर ये तोप रखी हुई थी, और ये व्यू है उस किले का। देखिए गाइस कितना बड़ा है। देखिए गाइस हम मतलब कितनी ऊंचाई पे थे। तो अमेरिका किला में ही वहां पे भी गाइस एक कैंटीन थी, तो हम भी थक गए थे और शाम भी होने वाली थी, तो हमने चाय और ये पेटीज ली थी। तो अब हम नीचे जा रहे हैं। हमने अमेरिका किला भी देख लिया और ये सामने भी एक किला था, उस चीज़ का मुझे नाम नहीं पता। और वहाँ पे गए अमेरिका किला में मेहंदी भी थी, तो मैंने मेहंदी भी लगवा ली थी। तो हमने अब अपना जयपुर का ट्रिप हो गया है, अब हम घर जा रहे हैं। तो जयपुर में बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे सारी चीज़ें पसंद आई। आपको कैसी लगी और कौन सी चीज़ अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप जयपुर गए हैं कि नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो गाइस ये ढाबा पड़ा था वहाँ पर, तो हमने वहाँ पे हमें भूख लग रही थी, तो हमने ये डिनर तो हमने वैसे भी किया नहीं था, तो अब हम डिनर कर रहे हैं। तो हमने डिनर में ये 2 थाली मंगाई थी और ये ब्रेड और ये चाय। थाली हमने नॉर्मल मंगाई थी, मतलब गुजराती ये सब नहीं, नॉर्मल थाली जो होती है वो 2 मंगा ली थी। तो अब हम घर जा रहे हैं। तो अगर गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।